हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12x³ + 5x² - 9x + 5 टू गेट - 7x² + 3x³ - 8x + 11। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या हमसे पूछना चाह रहा है, क्या सॉल्व कराना चाह रहा है, तभी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तभी आप सॉल्यूशन भी समझ सकते हैं। तो फर्स्टली हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सो दैट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें इसमें से। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये हमें दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये में ले जाए, इसमें यहां से लेकर यहां तक इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर ये आ जाए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब सिंपली हम छोटे छोटे जो नंबर्स हम उसमें समझते हैं। देखिए करके 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 8 आ जाए, तो हमारे ये तो बहुत छोटी सी बात है, हम सिंपली आ रहे हैं कि अगर 10 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 2 आएगा कैसे, ऐसे आएगा हम 10 में से ही 8 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 2 मिल जाएगा। इसी तरह से बोल रहा है कि इसमें से, इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से क्या सेपरेट करें कि ये मिल जाए, यानी कि जो आंसर आ रहा है ये 8 की जगह पे ये आ रहा है, इसका मतलब हमें यही सेपरेट करना पड़ेगा ऊपर वाले इस वाले एक्सप्रेशन में से, तब हमें आंसर मिल जाएगा, तब हमें पता लग जाएगा कि इसमें हम इसमें से हम क्या सेपरेट करें। तो पहले हम ऊपर वाला एक्सप्रेशन ऐड कर लेते हैं पूरा, 12x³ + 5x² - 9x + 5, इसमें से क्या ये सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, हम ये सब्ट्रैक्ट करने का मतलब सब्ट्रैक्ट का साइन लगा देते हैं, बाकी ये वाला ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे। अब हमको ये ब्रैकेट रिमूव करना होगा और अंदर के जितने भी साइन है सब चेंज करने पड़ेंगे। इसको ऐसे ही ऐड कर लेंगे, 12x³ + 5x² - 9x + 5 - - + 7x² और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इस माइनस से सभी साइन की मल्टीप्लाई होती जाएगी, ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। ध्यान रखें सभी के साइन अपोजिट कर देने, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ प्लस था यहाँ हमने माइनस कर दिया और ये ऐड कर लेंगे 3x³, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर लेंगे 8x, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कर लेंगे 11। अब जो लैग टर्म्स हैं उनका जो भी रिलेशन है, अगर सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस करना है तो प्लस कर देंगे, लैग टर्म को ढूंढ लें। देखो ये x³ इधर, ये है x³, तो 12x³ में से 3x³ सब्ट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया, बचा हमारे पास 9x³, 5x² 7x² दोनों प्लस के हैं तो ऐड कर लेंगे, 5 7 हो जाता है 12x² माइनस 9x 8x, ये तो कोफिशियंट माइनस 9 है और 8 है, तो माइनस 9 और 8, माइनस 9 और प्लस 8, यानी 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 का मतलब माइनस का x, माइनस का 1x, 1 लिखा नहीं जाता है, इधर 5 है इधर माइनस 11 है। ठीक है, 5 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6, तो ये जो है आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट शुड वी एडेड टू 5xy + 7x² टू गेट 2y² + 3xy, इसमें क्या ऐड करें, इस वाले एक्सप्रेशन में क्या ऐड करें कि ये आ जाए। सिंपली हम नंबर्स में बात करते हैं, 10 में क्या ऐड करें कि 13 मिल जाए, तो हमारा सिंपली जो आंसर आएगा कि 10 में 3 ऐड करें, लेकिन 3 आएगा कैसे, ये जो आंसर है इसमें से हमें 10 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब ये 3 आएगा और हम इसको यहाँ ऐड करेंगे। इसी तरह से ये पूछा गया है 10 की जगह पे ये कि इसमें क्या ऐड करें और 3 की जगह ये कि ये मिल जाए, तो क्या करें, ये मिल जाए यानी कि इसमें से हमको ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देना है। हालांकि यहाँ पर एडेड ऐड किया हुआ, लेकिन हमको सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर मिलेगा, इसमें से 2y² + 3xy, इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे पहले। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना आता ही है, दूसरे स्टेप में ये ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, इसको ऐसे ही ऐड कर लेंगे, 2y² + 3xy - 5xy, ये प्लस का था ना तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, 7x². अब देखिए लाइक टर्म जो है उनको देख लेते हैं, बाकी को ऐसे ही ऐड कर लेंगे, ये इसका 2y² बाई स्क्वायर का कोई लाइक टर्म नहीं है, इसको ऐसे ही ऐड कर लो 2y², इसको भी ऐसे ही ऐड कर लो 7x², इसका भी 7x² है, दूसरा कोई x² है ही नहीं, तो इसका कोई लाइक टर्म नहीं है, इसको हमने ऐसे ही ऐड कर लिया, -7x²
ये लैग टर्म है, ठीक है, ये लैग टर्म है, इसका कोफिशियंट 3 है, इसका 5/3 माइनस, ये -5/3 -5 आ जाता है माइनस का 2xy। तो ये आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फ्रॉम द सम ऑफ -5xy + 8x + 2y एंड 7xy - 8x + 3y सबट्रैक्ट द सम ऑफ 9xy - 3x एंड 3y - 3xy। तो क्वेश्चन बोला है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला और ये इनका इनके सम में से यानी कि इन दोनों को ऐड करके इनका सम सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, पहले हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लिया हमने -5xy + 8x + 2y पहला एक्सप्रेशन, जब सम करना है तो हमें प्लस का साइन लगा देना है बस और कुछ नहीं। दूसरा एक्सप्रेशन हमने लिख लिया है 7xy - 8x + 3y। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है तो सबट्रैक्ट का साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे और ये दोनों एक्सप्रेशन हमने राइट किए और इनकी एंड की जगह पर प्लस का साइन लगा लिया, ठीक है। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसमें लाइक टर्म है तो देख लीजिए -5xy दूसरा xy ये है, तो -5xy + 7xy यानी 7 में से 5 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो 2xy आ जाएगा। अब देखिए 8x है इधर, माइनस का 8x है, तो माइनस का 8x प्लस का 8x कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया, जीरो बन गया, उसको राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है y, इधर है 3y, दोनों प्लस के हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितने हो जाएंगे 5y। ये वाला माइनस का साइन लगाएंगे, इसमें भी अगर लैग टर्म है तो ऐड या सबट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 9xy है दूसरा, इसमें 3xy है, तो 9xy में से 3xy को सबट्रैक्ट कर दिया 6xy, ठीक है। इसके बाद यहाँ 3x है, दोबारा से कहीं x नहीं है, इसको ऐसे ही ऐड कर लेंगे माइनस का 3x। फिर है 3y, 3y है तो y भी दोबारा से कुछ है नहीं यानी कि कोई इसका कोई लैग टर्म नहीं है, तो उसको भी ऐसे ही ऐड कर लेंगे 3y। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ये ब्रैकेट रिमूव करनी है। ब्रैकेट रिमूव करने के लिए करने के जब करेंगे तो ये जो माइनस है इस माइनस की वजह से इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, बस बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी इसको ऐसे ही लिख लेना है 2xy + 5y और ये प्लस का है तो इसलिए माइनस का हो जाएगा 6xy, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 3x, ये प्लस का है तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर अब हम लैग टर्म को देखते हैं, यहाँ पर 2xy है, यहाँ माइनस का 6xy है, 2 में से 6 को सबट्रैक्ट करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा, 4 माइनस का 4xy पहला टर्म ही आया, दूसरा 5y है प्लस का और ये 3y है, ये भी लैग टर्म है तो 5y में से 3y को सबट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा 2y, 5y में से 3y को सबट्रैक्ट किया 2y आ गया। इसके बाद ये तो हो ही गया xy वाला, फिर 3x है, इसका कोई लैग टर्म नहीं है, इसको ऐसे ही ऐड कर लेंगे 3x, आपका ये जो है फाइनली आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट शुड बी एडेड टू 11x³ - 3y² + 22xy टू गेट 8x³ + 9y² - 15xy। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 किया था हमने सेम एज वैसे ही कर लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें क्या ऐड करें कि ये मिल जाए, तो सिंपली हमने इसमें से इस नंबर को सबट्रैक्ट कर दिया था क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है, उसी तरह से इस वाले एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं, आंसर मिल जाएगा। इसमें से उस नंबर को सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, 8x³ + 9y² - 15xy, उसको सेपरेट करना है, उसको नीचे ऐड कर लेंगे 11x³ - 3y² और प्लस का 22xy। देखिए जब सबट्रैक्ट किया जाता है तो क्या होता है, सारे साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले एक्सप्रेशन के, इसको ये प्लस का है इसको माइनस का कर देंगे, ये माइनस का इसको प्लस का कर देंगे, ये प्लस का इसको माइनस का कर देंगे, ये दोनों माइनस के हो गए लाइक हैं, तो 15 माइनस 22 माइनस का 37xy प्लस, ये भी प्लस, दोनों प्लस के हैं, प्लस का 9 और प्लस का 3 जाता है 12 और y² ये माइनस का है ये प्लस का, इसको सबट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 11 को सबट्रैक्ट किया तो माइनस का 3x³ माइनस 3x³ प्लस 12y² माइनस 37xy, ये आपका फाइनली आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9 कि द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 3x² + 4y² - 7xy
दूसरा है माइनस एट एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स वाई एंड माइनस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल है उसकी तीन साइड्स होती हैं, ये थ्री साइड में एक साइड ये है, एक साइड ये है और तीसरी साइड ये है। तीनों साइड दी हुई हैं इसी तरह से, जैसे इसमें बस इनकी लेंथ ये है, इनकी लेंथ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में दी गई है। पूछा जा रहा है इसका पेरीमीटर बताओ, तो भैया पेरीमीटर ये सभी जो तीनों साइड हैं इनका सम होता है। ट्रायंगल का पेरीमीटर हो या किसी भी चीज़ का भी पेरीमीटर निकालना है तो उसके जितनी भी साइड हैं उन सबका सम कर लीजिए, इसकी डिस्टेंस का, इसकी डिस्टेंस का और इसकी डिस्टेंस का, यानी कि लेंथ का, तो हमें इन तीनों का सम कर लेना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पेरीमीटर ऑफ इज इक्वल टू क्या होगा, इन तीनों का सम। सबसे पहले हम ये ऐड कर लेंगे y, इसके बाद ये ऐड कर लेंगे, इसके बाद वो वाला ऐड कर लेंगे माइनस का 9x स्क्वायर और प्लस 12। तो प्लस 12 कहीं भी ऐड कर लीजिए, किसी का लैग टर्म तो है नहीं, वो इनको ऐड करना है। ठीक, जब ऐड करना है तो किसी का साइन चेंज करने की झंझट ही नहीं है, ऐसे ऐड कर देंगे माइनस सेवन माइनस और प्लस एट, माइनस सेवन प्लस एट प्लस का वन आ जाएगा, यानी कि प्लस का वन एक्स बाई वन लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ये ट्वेल्व यहाँ पे ऐसे ही लिख दो क्योंकि इसका कोई लैग टर्म तो है नहीं, बाद में लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। आफ्टर दैट ये लैग टर्म है दोनों, है ना, तो प्लस फोर माइनस नाइन तो माइनस का फाइव आ जाएगा, माइनस का फाइव बाई स्क्वायर। ये तीनों लैग हैं, ये माइनस का नाइन माइनस का एट माइनस का सेवनटीन हो जाता है, माइनस का सेवनटीन और प्लस का थ्री माइनस का फोर्टीन बचेगा, माइनस का फोर्टीन एक्स स्क्वायर, ये पेरीमीटर आ गया, यही फाइनली आंसर हुआ। ये बर्ड प्रॉब्लम का लास्ट क्वेश्चन नंबर टेन है, सम ऑफ थ्री एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इज एटीन एक्स क्यू प्लस सेवनटीन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फिफ्टीन। कोई थ्री एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनका सम ये है, इफ टू ऑफ देम आर माइनस सिक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस सिक्स एंड माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स क्यू प्लस टेन एक्स प्लस सेवन। उनमें से अगर उनमें से दो एक्सप्रेशन ये और ये हैं तो फाइंड द थर्ड वन, तो तीसरा बताइए कौन सा होगा। देखिए किन्हीं तीन एक्सप्रेशन का सम दिया हुआ है, ये वाला, उनमें से दो एक्सप्रेशन ये दिए हुए हैं, तीसरा बताना है। मान लीजिए कोई तीन नंबर है उनका सम दिया हुआ हो 10, उनमें से इन और जो तीन नंबर हैं उनमें से एक नंबर 2 हो और दूसरा 5 हो तो तीसरा बताएं क्या होगा, ऐसे पूछा गया है। तीन नंबर हैं उनका सम 10 है, यानी उनको तीनों को ऐड करते हैं तो 10 हो जाता है, उनमें से दो नंबर 2 और 5 हैं, तीसरा बताओ क्या होगा। तो सिंपल सा, हमें तीसरा निकालने के लिए इस 10 में से इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करके निकाल सकते हैं कि तीसरा क्या होगा। 10 में से 2 और 5 7 हो जाता है, सबट्रैक्ट किया तो तीसरा जो नंबर होगा वो 3 होगा, 2, 5, 7 और 3, 10 हो जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर जो तीन एक्सप्रेशंस हैं उनमें से दो दिए हुए हैं, एक ये है और दूसरा ये है, तीसरा निकालना है। तो क्या करना है, हमें ये जो सम है इसमें से इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करके सबट्रैक्ट कर देना है। इसी तरह ये पहले ऐड कर लेंगे, इसके बाद इन दोनों का सम ऐड कर लेंगे, सम का मतलब इन दोनों को ऐड कर लेंगे और ऐड करके इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी यहाँ हम माइनस लगा लेंगे और उनको ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे। ये ऐड कर लीजिए, अब इनका सम करना है तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इसको पहले ऐड कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस एट एक्स क्यूब, इसके बाद माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का टेन एक्स और प्लस का सेवन। ये है, ब्रैकेट रिमूव करने से पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, जो लैग टर्म है उनको सॉल्व कर लेते हैं हम। इस वाले को ऐसे ही ऐड कर लेंगे, अभी ब्रैकेट रिमूव नहीं करना है, लैग टर्म को सॉल्व कर लें, माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस का एट एक्स क्यूब, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, सबट्रैक्ट हो जाएगा, एट में से सिक्स सबट्रैक्ट किया तो टू, टू एक्स क्यूब। नेक्स्ट है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस के हैं, माइनस टू माइनस थ्री हो जाते हैं, माइनस का फाइव, फाइव एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है एक्स, यहाँ भी एक्स है, ये टेन एक्स है, एक प्लस का है एक माइनस का है,
तो सबट्रैक्ट तो होना ही है, यानी 10 में से 9 को सबट्रैक्ट किया तो 1 बचेगा, यानी 1x किसका प्लस का 1x, 1 रैट नहीं करते, 1x ही होता है ये। इसके बाद नंबर है -6 प्लस 7, 7 में से 6 सबट्रैक्ट कर दिया प्लस का 1। ठीक है, इसके सॉल्व तो हो गया ये वाला। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में ब्रेकेट रिमूव करना है। ब्रेकेट रिमूव करने के लिए ये जो साइन है इससे इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, सभी की मल्टीप्लाई होने का मतलब ये सभी टर्म्स के साइन बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसको ऐसे ही रेड कर लेंगे, ये प्लस का है माइनस का 2x³, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा 5x², प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा x, ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। अब लैग टर्म को सॉल्व कर लेंगे, 18x³ और ये यहाँ पर 2x³ है, ये दोनों लैग हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। 18 में से 2 सबट्रैक्ट किया 16 आ जाएगा प्लस का 16x³। ये देखिए स्क्वायर है, इधर 5x² है, दोनों प्लस के हैं, 17x² 5x² दोनों प्लस के हैं, 17 और 5 हो जाते हैं 22 प्लस के x², यहाँ ये x है, इधर भी x है, 5x, ये 1x, ये प्लस माइनस अलग अलग साइन की, ये प्लस का वो माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 4 प्लस का 4x, यहाँ 15 प्लस का, ये माइनस का 1 है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 14 आ जाएगा। तो भैया जो थर्ड नंबर है, थर्ड एक्सप्रेशन है, थर्ड वन वो ये है, ठीक है, इज द थर्ड एक्सप्रेशन वन। तो तीसरा एक्सप्रेशन है वो ये वाला है, ये आंसर हुआ।